नमस्कार दोस्तों, कार्पन हिंचल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त क्रिस। दोस्तों, अगर आपकी कार में निपोन कंपनी का इस तरह का जो सेंट्रल लुकिंग रिमोट है वो दिया गया है, या जो आपकी कार मारुति कंपनी की होगी तो उसमें जो रिमोट की मिलती है तो उसमें यहाँ पर स्विच मिलते हैं, तो मेरी जो कार है उसमें जो रिमोट की नहीं है, इसलिए मैंने अलग से ये जो रिमोट आप देख रहे हैं ये मैंने डीलर से ही लगवाया था जब कार परचेस की थी। और एक बात और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस रिमोट को डीलर से लगवाएंगे तो आपको ये काफ़ी महंगा पड़ने वाला है, और मार्केट से लगवाएंगे तो करीब आधे प्राइस में आपको ये इंस्टॉल होके मिल जाएगा, आधे से थोड़े ज़्यादा प्राइस में। और जब मैंने इसको लगवाया तो करीब 7000 रुपये मुझे देने पड़े थे जो डीलर था उसको। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो सुजुकी का लोगो बना हुआ है इस पर। एक्चुअल में दोस्तों इसको सुजुकी खुद नहीं बनाती, इसको निपोन बनाती, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे साथ में निपोन लिखा हुआ है नीचे। तो मारुति इसको खुद नहीं बनाती है, इसको निपोन से बना के अपना जो लोगो है वो लगवाने के बाद इसको अपनी जेन्युइन एक्सेसरीज में शामिल करके ज़्यादा प्राइस में बेचती है। ठीक है, तो अगर आपकी कार में निपोन कंपनी का सेंट्रल लॉकिंग रिमोट लगा हुआ है, या आपके पास मारुति सुजुकी की कार है तो उसमें जो रिमोट की मिलती है दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे मेरी कार की एक नॉर्मल की है, इसी वजह से जो है मैंने सेंट्रल लॉकिंग रिमोट अलग से लगवाया है। तो जो रिमोट की होती है या रिमोट होता है उसकी अगर बैटरी डाउन हो जाती है या ख़राब हो जाती है दोस्तों, तो बैटरी डाउन होने पर जो है कार को लॉक और अनलॉक करने की जो रेंज होती है वो कम हो जाती है, और बैटरी ख़राब होने पर दोस्तों जो रिमोट है वो काम नहीं करता। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप इसकी जो बैटरी है घर पर किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं इसको पूरी तरह से खोल के दिखाने वाला हूँ रिमोट को, और आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों इसको खोलने से पहले मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर जो बैटरी लगी होती है उसकी जो कॉस्ट होती है वो 30 से 40 रुपये की होती है केवल। और इस रिमोट को दोस्तों आप किसी ऑथोराइज सर्विस सेंटर पर या किसी मैकेनिक से खुलवा कर बैटरी डलवाएंगे तो 200 से 250 रुपये चार्ज आपसे ले लिया जाएगा। तो इसकी जो बैटरी है दोस्तों मार्केट में आपको आसानी से जो घड़ी रिपेयर करने वाले होते हैं उनकी शॉप पर मिल जाएगी, या फिर ऑटो पार्ट्स की जो शॉप होती हैं उस पर आपको इसकी जो बैटरी है वो आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आप इसको खोल के देख लेते हैं। और दोस्तों इस पर मेटल का फ्रेम दिया होता है, जो आप क्रोम फिनिश में देख रहे हैं ये मेटल का फ्रेम है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है, साइड से जो टूटने से या गिरने से जो नुकसान होता है उसको बचाता है। तो इसके पीछे तीन दोस्तों ये स्क्रू दिए गए हैं, इसको हम खोलेंगे, और जो की होती है दोस्तों उसमें भी इसी तरह के स्क्रू दिए होते हैं। तो इन स्क्रू को खोलने के लिए दोस्तों हमको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास दोस्तों स्क्रू ड्राइवर की पूरी किट है जो कि मैंने मार्केट से परचेस की थी, देखिए ये वाली। तो इसमें दोस्तों कई तरह के जो हैं स्क्रू ड्राइवर दिए गए हैं, और ये जो दोस्तों किट है मैंने 120 रुपये की मार्केट से परचेस की थी, आप चाहे तो इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो हम दोस्तों इसमें जो स्क्रू ड्राइवर फिट होगा हम उसको लगा के देख लेते हैं पहले, जो स्क्रू दिए गए हैं उसमें, और उसके बाद इसको खोल के देखेंगे। तो ये वाला दोस्तों इसमें बिल्कुल परफेक्टली फिट हो रहा है, तो हम इससे इसको खोल के देखेंगे। इसको हम हैंडल में फिट कर लेते हैं, और जो तीनों स्क्रू दिए गए हैं हम इसको खोलेंगे, और जो सबसे पहले इसका फ्रेम निकालेंगे। तो फ्रेम निकालने के बाद जो इसका बैक कवर है दोस्तों, जो पीछे का हिस्सा होता है ये वाला, इसको हम बीच से निकाल लेंगे, और उसके बाद जो फ्रंट पैनल है ये भी निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों आप इसको खोलते हैं, और जो इसका कीपैड है वो भी निकाल लेंगे। तो खोलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये अंदर से किस तरह का नज़र आता है। तो तीनों स्क्रू दोस्तों हमने खोल लिए हैं, ये कुछ इस तरह के नज़र आते हैं, ये काफ़ी छोटे हैं। तो इसको दोस्तों हम साइड में रख लेते हैं, और उसके बाद जो रिमोट है इसको हम खोलेंगे। तो रिमोट के ऊपर दोस्तों ये फ्रेम दिया होता है क्रोम का, तो पहले हम जो फ्रेम है इसको निकालेंगे, अपनी उंगली के नाखून के सहारे हम इसको बाहर खींच लेंगे, ये आसानी से निकल आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप निकालेंगे, देखिए ये आसानी से बाहर निकल आएगा। और ये जो फ्रेम है दोस्तों पूरा मेटल का दिया गया है, और ये काफ़ी भारी भी है, तो ये रिमोट को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए दोस्तों ये मेटल का बनाया गया है। तो ये जो फ्रेम है दोस्तों इस तरह से ऊपर इसके लगा होता है, और फ्रेम में दोस्तों तीन पॉइंट दिए होते हैं जिसके ऊपर स्क्रू लगे होते हैं, और ये तीन पॉइंट रिमोट में फिट हो जाते हैं। देखिए ये तीन जो पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, और रिमोट में दोस्तों होल दिए होते हैं तीन, तो उसमें ये अंदर तक चले जाते हैं, देखिए इस तरह से ये फिट हो जाते हैं, और इसी के ऊपर पीछे से जो है स्क्रू लग जाते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, तो ये फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिमोट के लिए। तो चलिए दोस्तों अब जो इसका रिमोट है जो कि पूरी तरह प्लास्टिक का बना है इसको खोलते हैं। और इसको खोलने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे एक जगह दी गई है, यहाँ पर आप स्क्रू ड्राइवर फंसा सकते हैं, या अपनी उंगली का जो नाखून है
उसको फंसा के इसको बाहर की तरफ खींचेंगे, तो इसके अंदर दोस्तों प्लास्टिक के लॉक दिए होते हैं चारों तरफ, तो जो लॉक है वो खुल जाएंगे और ये धीरे धीरे आसानी से पूरा ओपन हो जाएगा। तो इसको दोस्तों आसानी से आप खोल सकते हैं। तो आप देखिए दोस्तों ये खुलने भी लगा है, तो नाखून की सहायता से आसानी से धीरे धीरे आप इसके चारों तरफ के जितने भी लॉक दिए गए हैं उसको खोल लीजिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि जो स्क्रू ड्राइवर या मेटल का जो टूल होता है उससे ना खोलें, उससे खोलने से दोस्तों इस पर स्क्रेचेस आ सकते हैं और उसकी जो फिटिंग है वो भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि दोस्तों ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। तो इसको आप धीरे धीरे जो है नाखून की सहायता से या जो क्रेडिट कार्ड होता है पुराना उससे भी खोल सकते हैं, हालाँकि इतनी ज़्यादा जगह नहीं है इसमें, नाखून की सहायता से आसानी से खुल जाएगा। तो देखिए अब ये खुल गया है, तो हम इसको अब अलग भी कर लेते हैं। तो अलग करने के बाद दोस्तों आपको जो इसका मदरबोर्ड है वो दिख रहा हो, जिसमें एक बटन बैटरी लगी हुई है और ये इसका बैक कवर है और ये इसका फ्रेम है, ठीक है। और इसका जो फ्रंट जो पार्ट है ये वाला, इस पर जो कीपैड है वो लगा हुआ है, तो आप देख रहे होंगे ये रबड़ का कीपैड है, इस पर डस्ट जम जाती है तो हम इसको निकाल लेंगे। तो ये दोस्तों इसके पूरे पार्ट है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 पार्ट दोस्तों आप इस तरह से निकाल लेंगे। और जो मेन पार्ट है दोस्तों वो ये है, जो कि हमारी कार का जो रिमोट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एंटीना दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर बटन बैटरी दी गई है। तो इस बैटरी को हम निकालेंगे और दूसरी बैटरी लगाएंगे, तो इसको आसानी से आप इस तरह से खिसका के निकाल लीजिए। देखिए ये आसानी से निकल जाएगी और यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों जो बैटरी है उस पर डिटेल लिखी हुई है पूरी, ठीक है। तो यहाँ पेनासोनिक की बैटरी लगी हुई है, उस पर सारी डिटेल भी दी गई है। तो ये जो बैटरी है दोस्तों आप घड़ी की शॉप से, मार्केट से आप परचेस कर लीजिए, 30 से 40 रुपये की मिलेगी। या आप ऑनलाइन परचेस करना चाहेंगे तो ऑनलाइन का मैं लिंक भी दे दूँगा, आप आसानी से इसको परचेस कर सकते हैं और ख़ुद ही इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके की दोस्तों जो बैटरी है बटन वाली इसमें लगी होती है, और जो इसमें डिटेल है बैटरी के ऊपर सारी दी गई है। इसको पलट के भी देख लेते हैं, तो पीछे दोस्तों इस पर कोई भी डिटेल नहीं दी गई है। और आपको ध्यान रखना है जब आप दोस्तों इसको वापस से लगाएं, दूसरी बैटरी जब लगाएं तो उसी दिशा में लगाएं जिस तरह से आपने निकाला है। तो ये हमारी कार का जो रिमोट है उसका मदरबोर्ड दिया गया है, और ये इसकी आईसी है मेन, और जैसा कि मैंने बताया ये एंटीना है, और पीछे भी कुछ कंपोनेंट दिए गए हैं, सर्किट दिए गए हैं। तो अब दोस्तों हम इसको वापस से फिट करेंगे और बैटरी लगाएं, तो बैटरी दोस्तों आपको इस तरह से लगा देनी है। तो मैं दोस्तों बैटरी को रिप्लेस नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे रिमोट की जो बैटरी है वो बिल्कुल ठीक है। और बैटरी लगाने के बाद हम इसको वापस से फिट करने जा रहे हैं, तो इसको हम उल्टा नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें प्रॉपर जगह होती है एंटीने के लिए, तो एंटीने के लिए जो जगह दी होती है उसमें ये फिट हो जाता है, देखिए इस तरह से। तो जो बैक पैनल है उसमें हम इसको लगा देंगे, और उसके बाद जो कीपैड इसको क्लीन करके जो फ्रंट पैनल है उसमें वापस से लगा देंगे, ठीक है। और इसके बाद इसको आपस में कनेक्ट करके अच्छे से प्रेस कर देंगे चारों तरफ से, तो इसके अंदर के जो लॉक हैं दोस्तों वो फिट हो जाएंगे, आसानी से ये फिट हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इस तरह से दबा देंगे तो ये चारों तरफ से फिट हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा जो रिमोट है बिल्कुल फिट हो गया है, और आप देख रहे होंगे दोस्तों इसमें जो LED दी है वो जल रही है। और इसके बाद दोस्तों इसका जो फ्रेम है हम वो लगाएंगे, लेकिन उससे पहले चारों तरफ से हम चेक कर लेंगे कि इसके जो लॉक हैं वो ठीक से लग गए हैं या नहीं। तो अभी आप देख रहे होंगे दोस्तों कहीं पर भी कोई गैप नहीं दिख रहा, तो अब ये जो फ्रेम है दोस्तों इसके ऊपर जो होल दिए गए हैं रिमोट पर वो इसमें फिट करके हम जो स्क्रू हैं 3 वो लगा देंगे, ठीक है। तो इसको हम लगा देते हैं, इस तरह से ये लग गया है, और जो 3 जो स्क्रू हैं इसको भी हम आप टाइट करेंगे। तो वापस से दोस्तों जो तीनों स्क्रू उसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से टाइट कर देंगे। और अगर आपके पास रिमोट वाली की है आपकी कार की, तो उसको भी आप इसी तरह से खोल के वापस से फिट कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जैसा दोस्तों मैं आपको रिमोट को खोल के दिखा रहा हूँ वैसा ही दोस्तों आपको की को ओपन करना है, और इसमें दोस्तों कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से आपको खोलना होगा। बस फर्क ये है दोस्तों इसका जो मेटल का फ्रेम दिया गया है उसमें जो फ्रेम दिया जाएगा वो प्लास्टिक का होगा बस, और उसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा अलग होगा, और उसके अंदर का जो मदरबोर्ड है दोस्तों वो भी थोड़ा छोटा होता है इस रिमोट के मुकाबले। तो फाइनली दोस्तों जो रिमोट हमारा रेडी हो गया है, और हम इसको चेक करके भी देख लेते हैं। जो इसके अंदर दोस्तों LED लाइट होती है उसको हम ऑन करके देखते हैं कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो LED को दोस्तों आपको एक बार पहले भी चेक कर लेना है फाइनल फिटिंग से पहले, फ्रेम लगाने से पहले, ताकि दोस्तों कोई दिक्कत हो तो आप चेक कर सकें। तो देखते हैं दोस्तों कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए अभी ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। देखिए LED लाइट जो है वो ऑन हो रही है, और जो हमारा रिमोट है वो भी बिल्कुल बढ़िया से काम करेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी कार का जो रिमोट या आपके पास जो कीलेस एंट्री वाली कार है उसकी जो बैटरी है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या आपकी कार का जो रिमोट या की है उसमें पानी चले जाता है तो उसको खोल के दोस्तों आप इस तरह से उसको ड्राई भी कर सकते हैं, सुखा भी सकते हैं। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।